हेलो फूडीज, वेलकम टू आवर चैनल फूडी स्टार गाइस। हम आ चुके हैं हरी नगर। बढ़िया सा मौसम हो रहा है और ऐसे मौसम में ना कुछ बढ़िया गरम गरम खाने का मन कर रहा है। गर्मी है लेकिन अभी बारिश का मौसम सा हो रहा है थोड़ा। तो हम आ चुके हैं राम जी दी हट्टी। पहले भी यहाँ के चूर चूर नान मैं आपको दिखा चुका हूँ। नाइट हमने डिनर करा था यहाँ पे, लेकिन आज इनके बेस्ट छोले भटूरे और इनके चूर चूर नान दोनों लेंगे एक साथ और फिर आपको टेस्ट करके बताएंगे। लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। ये वही दुकान है जहाँ पे किसी टाइम पे विराट कोहली जी आए थे। सो गाइस, हमारे साथ इंद्रजीत जी है जो यहाँ के ऑनर है। सर, मैंने सुना है कि जो विराट कोहली हैं वो आपकी राजौरी गार्डन वाली ब्रांच में आ चुके हैं। हाँ जी, 2003, 2001, 2 में मतलब शॉप हमारी राजौरी गार्डन में थी। अच्छा। तो वो शॉप पे आते थे। अच्छा। जब अब बंदे का जब करियर बढ़ता है तो वो फिर मतलब स्वाद को ही लेके चलता है आगे के, मतलब दोबारा फिर देखते हैं कि हाँ जी कब मौका मिलेगा आने का। तो अभी ना मौका मिल रहा है उनको, ना वो आ पा रहे हैं। अब इतने बड़े स्टार बन चुके हैं वो। पहले मतलब स्टार्टिंग थी उनकी करियर की, तो वो मतलब उस टाइम की बात चल रही है। अच्छा। तो मतलब बंदे का ग्रोथ पड़ता है तो फिर वो अपने आप ही, आपको पता है कि कभी जब मौका लगता है तो बात करते हैं वो हमारे बारे में। कई बार आपने इंटरव्यू में सुना होगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल। राम जी दी हट्टी राजौरी गार्डन वाली है। अच्छा। तो कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि जो तिलक नगर में रामा छोले भटूरे वाला है वो है राम छोले भटूरे वाला, लेकिन नहीं, एक्चुअल दुकान ये थी जो राजौरी गार्डन में थी और अब शिफ्ट होकर हरि नगर आ चुकी है। एंड लुक एट द पैकिंग गाइस, कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में पैकिंग हो रही है। चटनी है, प्याज और ये है सब्जियाँ यहाँ की। ये फुल प्लेट जा रही है, क्वान्टिटी अच्छी है, काफ़ी बढ़िया है। देख रहे हैं आप, सलाद ऐसे पैक हो रहा है और फिर आगे अमेजिंग छोले यहाँ के दिखने में लग रहे हैं। बढ़िया, बिल्कुल। और जब ये ऑयल जाता है ना, गिरता है तो बड़ी सेटिस्फेक्शन से मिलती है, मज़ा आता है वो ऑयल गिराने में इसमें। और इस साइड अपने भटूरे बन रहे हैं, पनीर की स्टफिंग अंदर, पनीर और धनिया। बढ़िया। बिना पनीर के सादे भटूरे मिल जाते हैं? मिल जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर पनीर वाले यहाँ लेते हैं ना। और फिर बनेंगे अपने भटूरे इधर। इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपको काफ़ी दुकानों पे मिलेगा, चूरचू नान और भटूरे। ये देखिए, और यहाँ एक और ऐसी दुकान जहाँ पे कढ़ाई और ऑयल साफ़ है। अब मुझे ना अच्छा लग रहा है, मैं एक हफ्ते से जो घूम रहा हूँ वहाँ पे मुझे कढ़ाई और तेल थोड़ा साफ़ लग रहे हैं, तो मुझे अच्छा लग रहा है कि स्ट्रीट फूड थोड़ा इम्प्रूव हो रहा है। गाइस, हम आ चुके हैं किचन के अंदर और यहाँ पे मैं आपको एक बार सब्जियाँ दिखाता हूँ। सर, एक बार मुझे सारी सब्जियाँ चला के दिखाइए, कौन कौन सी हमें मिलने वाली है थाली में। ये तो शाही पनीर है सर। शाही पनीर है, ठीक है। हाँ जी, शाही पनीर है, बढ़िया। हाँ जी, और ये दाल मखनी है। दाल मखनी है, सही है। ऊपर आपने बटर वगैरह डाला हुआ है, क्रीम भी डाली हुई है, सब कुछ पड़ा हुआ है। ये राजमा है सर। सही है यार, ग्रेवी आपकी काफ़ी मतलब बढ़िया लग रही है। ठीक है। ये दाल मखनी है, दाल फ्राई है, दाल फ्राई। ठीक है। ये रायता, ये बूंदी वाला रायता, बढ़िया गाढ़ा गाढ़ा रायता दिख रहा है। फिर आ गई ये चटनी, दही की चटनी होगी, धनिया पुदीना और दही वगैरह ऐड करते होंगे ना। दही की चटनी है। हाँ जी, सैलेड हो गया, अचार वगैरह। और यहाँ पे हमारे पास है एक तो तवा चाप, ग्रेवी चाप है, साथ में है ये क्या था, पनीर था हमारा, ऊपर चला पालक, ये कढ़ाई पनीर, कढ़ाई पनीर और दूसरा पालक है। थोड़ा ऊपर चला के दिखाइए सब्जी, हम देखें तो सही। कढ़ाई पनीर है, ठीक है। और थोड़ा अच्छे से देखना चाहिए ना, व्यूअर्स में पानी आना चाहिए देखने वाले। ये कढ़ाई पनीर है, ठीक है। बड़े बड़े कैप्सिकम के पीसेस देखकर आपको समझ आ गया होगा कि भाई कढ़ाई पनीर है, और बड़े बड़े प्याज के पीस है, साथ में ये चाप है। चाप किससे, नान के साथ रहते हैं, रुमाली रहते हैं, रुमाली रोटी भी है। हाँ जी, रुमाली भी दिखाते हैं आपको। हाँ, ये ठीक है। और साथ में है पालक। तो वैसे गर्मी में तो कम ही खाते होंगे, ठंड में ही लेते होंगे। हाँ, ठंड में चलता है। ठीक, बाकी ये मिक्स वेज अभी तैयार होगा। ये पनीर के पीसेस हैं जो कि अभी जाएंगे शाही पनीर और कढ़ाई पनीर में। ये सिर्फ ओनली शाही पनीर में जाएगा। तो शाही पनीर में जाएगा। अच्छा, ठीक। ये सिर्फ शाही पनीर। ये देखिए, और पीछे अपनी वीडियो चल रही है टीवी पर। सही है, बढ़िया। तो चलिए लगवाते हैं प्लेट, दबा दबू के क्रीम डालते हैं, पनीर डालते हैं, मज़ा दिला देते हैं। ऊपर से होगा पनीर ग्रेड, पनीर की बारिश। ओरिजिनल फूड मिलने वाला है यहाँ पे। और ये आगे इनके गाढ़े गाढ़े छोले, साथ में सैलेड दे दिया, और दो आएंगे भटूरे। ये आलू मसालेदार आलू। ये किस चीज़ की चटनी है? इमली की है। अरे वाह, फिर आगे दो फूल हुए भटूरे, बढ़िया। और दोस्तों जो हम वो पड़तों वाला कुलचा कहते हैं ना, अमृतसरी कुलचा, यहाँ पे पड़तों वाले चूर चूर नान बनते हैं। तो ये देखिएगा कितनी सारी परत है, 7-8 परत तो मुझे दिख रही है। तो दोस्तों यहाँ पे अपने चूर चूर नान लगेंगे। स्टफिंग में क्या क्या डालते हैं आप? ये मिक्स रहती है? हाँ ये मिक्स है। इसमें आलू प्याज पनीर वगैरह तो मुझे दिख रहे हैं। हाँ, सारे ठीक है। स्टफिंग अच्छी क्वान्टिटी में काफ़ी। और ये ऊपर अजवाइन और धनिया डालते हैं। सबसे फेमस यही है, चूर चूर नान ही है आपके, है ना? उससे अजवाइन धनिया। और फिर ये जाएंगे तंदूर में। एक प्लेट में 2 नान रहते हैं इनके। और इनकी प्रेजेंटेशन का तरीका मैंने आपको दिखाया था, बहुत कमाल की प्रेजेंटेशन थी इनकी। और चूर चूर नान अपने रेडी हैं। इस पर सर बटर वगैरह लगाओगे? लगा दीजिए। फिर आ गया ऊपर से बटर। एक बार नान की थिकनेस देखो, एक बार काफ़ी ज़्यादा थिक नान है। जैसे कुलचा नहीं होता अमृतसरी कुलचा, बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। देखिए क्रश करके और ऊपर से एक्स्ट्रा बटर। और इस प्रेजेंटेशन में बात कर रहा था, इनका जो लीफ वाली प्लेट है ना, ये बड़ी मस्त लगती है। ऊपर से पनीर। अच्छा, सब कस्टमर्स को ऐसे मिलेगा ना? ठीक है। और ये आगे ड्राई फ्रूट्स, ऊपर से काजू किशमिश। तो सबसे पहले आएंगे प्याज सलाद के रूप में, फिर आ गया अचार गाजर का और हरी मिर्च का, देन आ गई इनकी चटनी दही वाली, साथ में आ गया गाढ़ा गाढ़ा रायता। इनकी प्रेजेंटेशन, इनकी हाइजीन बहुत बढ़िया, किचन बिल्कुल मेंटेन है। साथ में आ गया शाही पनीर, आजा हाथ में प्लीज। चलिए आगे दाल मखनी। अच्छा, चूर चूर नान थाली में सब्ज़ी मंगानी हो तो मंगा सकते हो? और हाँ जी हाँ जी ओके। चाट मसाला क्रीम, साथ में धनिया। फिर अपने चूर चूर नान, अमेजिंग। तो दोस्तों हमारी नान थाली आ चुकी है, साथ में आगे छोले भटूरे, और हमने 2 लस्सी मंगाई है। सबसे पहले मैं आपको प्राइस बता देता हूँ। चूर चूर नान थाली 190 रुपीज़, छोले भटूरे 80 रुपीज़, और 70 रुपीज़ की लस्सी है। प्राइस आप बताइए कैसा है, और ये सोच के बताइएगा कि आप एक एयर कंडीशन जगह पर बैठे हुए और आराम से खा रहे हैं। मुझे लग रहा है ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं, फिर वेट किस बात का। बटर, इतने सारे ड्राई फ्रूट्स, पनीर हमारा वेट कर रहे हैं। आइए थोड़ा सा बटर लेंगे, गर्मी ज़्यादा हो रही है। साथ में शुरुआत करते हैं दाल मखनी के। क्रीमी सी दाल मखनी है, ये देखिए भाई। जैसा मैंने आपको पिछली बार ही कहा था, टेस्ट जो है ना थोड़ा रेस्टोरेंट टाइप हो गया ज़्यादा। जैसे रेस्टोरेंट में आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको क्या मिलता है कि बैलेंस खाना होता है, बैलेंस मसाले होते हैं, तो वही टेस्ट मिल रहा है। फिर आगे शाही पनीर, हल्का सा मीठापन और सॉफ्ट टेक्सचर जो एक शाही पनीर में होता है, वो इसमें मुझे प्रॉपर मिल रहा है। और सॉफ्ट पनीर का पीस, थोड़े से प्याज ले दो चटनी के साथ। गाढ़ा रहता है, बूंदी जीरा मिक्स है। चूर चूर नान से पिछली बार मुझे कोई शिकायत नहीं थी। प्रॉपर एक जो रेस्टोरेंट टाइप, रेस्टोरेंट स्टाइल टेस्ट आता है ना, वो इनका टेस्ट है, जिसमें किसी को कुछ ऐसा नहीं लगेगा कि मतलब कि कुछ ज़्यादा इन्होंने एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करी है, वही स्टैंडर्ड ही फॉलो कर रहे हैं। दूसरी साइड इनके भटूरे, ज़रा पनीर वगैरह देखें अंदर, तो पनीर की क्वांटिटी मुझे दिख रही है। हाँ, थोड़ा बहुत पनीर हमें अंदर मिल रहा है यहाँ पे। थैंक यू सर। और ये वही भटूरे हैं जिनके लिए विराट कोहली ने कहा था, विराट कोहली जी ने कहा था कि राम के छोले भटूरे खाने का मज़ा वहीं पर है जो गर्मा गर्म छोले भटूरे उसके मिलते हैं, पैक करवाने के बाद वो मज़ा नहीं आता। बढ़िया। इमली की चटनी टेस्ट एनहांस कर रही है, दूसरे छोले भटूरे की दुकान से इस छोले भटूरे को अलग बना रही है। ठीक है, पर ये भी मैं कहूँगा थोड़ा स्टैंडर्ड फॉलो कर रखा है इसमें भी, आउट ऑफ द वर्ल्ड तो नहीं, बट दोनों चीज़ों का टेस्ट बहुत सही लग रहा है। अगर आप एक नॉर्मल खाने वाले वेस्टर्न स्टाइल खाना पसंद करते हैं बैठ के आराम से, तो ये दोनों खाना आपको, दोनों डिशेज आपको बढ़िया लगने वाली है। फिर आते हैं उनकी गाढ़ी गाढ़ी लस्सी, इतनी गाढ़ी तो नहीं है बट अच्छी लग रही है। ऊपर इन्होंने केसर वगैरह डाला हुआ था। ओह अमेजिंग। ये दोनों चीज़ें एक तरफ, ठंडी ठंडी कुल्हड़ वाली लस्सी एक तरफ, क्योंकि इतनी गर्मी में ना ये सच में अमृत का काम कर रही है। इसके अंदर मैंने आपको बताया केसर तो डाला हुआ था, साथ में जो रोज़ का फ्लेवर आ रहा है, ये जो पर रेड रेड है ना, ये एक्चुअली गुलाब की पत्तियाँ इन्होंने डाली हुई है। सो भाई मेरे हिसाब से यहाँ का फूड वर्थ है ट्राई करना, आप डेफिनेटली यहाँ विज़िट कर सकते हैं। प्राइस मैं कहूँगा कि सही प्राइस है, स्ट्रीट से थोड़ा सा ऊपर है, 10-20 रुपये के आसपास ऊपर है, बहुत ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा डिमांड नहीं कर रहे हैं और खाना सही है। तो आप आइए कभी राम जी दी हट्टी और आराम से, और भी डिशेज़ है वैसे यहाँ पर। यहाँ का जो मेन्यू है ना वो चाइनीज़, साउथ इंडियन, हर चीज़ टच करता है, लेकिन जो इन्होंने स्टार्ट करी थी अपनी दुकान राजौरी गार्डन में वो सिर्फ छोले भटूरे और नान से थी, तो ये इनके ऑथेंटिक आइटम्स हैं, इसलिए मैं यही आपको रिकमेंड करने वाला हूँ। अगर आप यहाँ पे आते हैं तो ज़रूर हमें याद करिएगा और बताइएगा कि भाई कैसा स्वाद है यहाँ का। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड अपना प्यार बनाए रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।